नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम अमरीक और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमिसिंग टेक में स्वागत है। किसान दोस्तों, आज की वीडियो नैनो यूरिया के बारे में होने वाली है कि यह नैनो यूरिया काम कैसे करती है, इसकी कीमत क्या है और इसकी डोज क्या रहने वाली है और इसको खेतों में यूज़ करने पर हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, आप सभी कुछ जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले किसान दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से खेती किसान से जुड़ी जानकारी आगे भी जान पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो यूरिया जो कि इफ़को गुजरात के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है, उनका कहना है कि इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में किसी देश के पास नहीं है और यह टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने के द्वारा पेटेंट भी करा लिया गया है। जैसा कि नाम से ही पता लगा सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ का मतलब यह है कि यूरिया का के एक दाने को कम से कम 50,000 हिस्सों में बांट दिया गया है, जो कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यह कि जैसे ही हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि यह जो पत्तों के ऊपर स्टोमेटा, जिसको कि रंध्र के रोम छिद्र के अंदर जल्दी चले जाते हैं, उनके अंदर जाने की वजह से अपना काम जल्दी शुरू कर देते हैं और जिससे कि इसका जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। नैनो यूरिया और दाने वाली यूरिया के बीच अगर अंतर की बात की जाए, जैसे कि हम दाने वाली यूरिया अपने खेत में डालते हैं तो हमें रिज़ल्ट जो है 4 से 5 दिन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन नैनो यूरिया है ये जल्द ही, जैसे ही पत्तों की सरफेस पर पड़ती है, ये अपना काम शुरू कर देती है और इसी कारण जो वेस्टेज है, जो यूरिया की खपत है वो कम होती है, जो लागत है वो कम होती है हमारे खेत में। आने वाली यूरिया जैसे ही हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारी फसल सिर्फ 50 से 60% ही उसका यूज़ कर पाती है और जो लगभग 30 से 40% है वो नाइट्रोजन के रूप में हमारे एनवायरनमेंट वातावरण में चली जाती है, जो कि प्रदूषण का कारण बनती है। इससे जो है वो यूरिया की खपत ज़्यादा हो जाती है। फसल की बढ़वार अवस्था के दौरान फसल को यूरिया की आवश्यकता होती है, तो जनरली बाज़ारों में इस समय पर जो यूरिया है वो ख़त्म होने लगती है और ख़त्म होने के कारण यूरिया की कालाबाजारी भी होने लगती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ़को गुजरात के वैज्ञानिकों के द्वारा यह सोल्यूशन निकाला गया है, नैनो यूरिया, जो कि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। नैनो यूरिया की अगर कीमत की बात की जाए तो 500 ml के पैक की जो कीमत है वो 240 रुपये रहने वाली है। नैनो यूरिया की डोज की बात की जाए तो गुजरात इफ़को के इस वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी जो डोज है 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रहने वाली है। नैनो यूरिया के उपयोग के फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यूरिया की लागत कम हो जाती है। पर एकड़ के हिसाब से इसकी लागत कम होने के कारण इसका जो खर्चा है वो पर एकड़ के हिसाब से कम आता है और जिससे कि किसान की आय भी बढ़े। वहीं दूसरे फायदे की बात की जाए तो इसका दूसरा फायदा यह है कि यह इको फ्रेंडली है। इसके उपयोग से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और तीसरा फायदा, ये जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसको प्रदूषित नहीं होने देता। चौथा फायदा इसका यह है कि यह पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। और पांचवा फ़ायदा यह है कि ये यूरिया का जो बैग है उससे सस्ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह इफ़को गुजरात के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को दिया गया एक अमूल्य तोहफा साबित हो सकता है। तो आशा करता हूँ किसान दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं आगे भी लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।